बात जशपुर की होगी, जहां पर एक ईमानदार आईएएस अधिकारी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। बगीचा एसडीएम आईएएस अधिकारी रोहित व्यास ने अपने कार्यालय में मिल रही रिश्वत मांगने की शिकायत के मद्देनजर पूरे कार्यालय में सीसीटीवी लगवा दिए हैं, साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो और खुद का नंबर भी दीवारों पर लिखवाया है। बगीचा एसडीएम कार्यालय परिसर में एसडीएम कार्यालय समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लोक सेवा केंद्र संचालित है। युवा आईएएस अधिकारी और बगीचा एसडीएम को हाल ही में अपने कार्यालय समेत कई जगहों पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर आईएएस ने रिश्वतखोरी रोकने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। आईएएस अधिकारी ने पूरे परिसर एवं सभी कार्यालयों को सीसीटीवी से लैस करवा दिया है। तो उस पर शिकायत करने की बात लिखवाई गई है दीवारों पे, और उसमें उनका मोबाइल नंबर को भी उसमें अंकित कराया गया है, और साथ साथ मतलब एसडीओ साहब ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो डायरेक्ट मतलब कि उनसे भी मतलब संपर्क कर सके। लोगों में इसका अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई किसी भी तरह कहीं भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी अनैतिक मांग करता है तो एसीबी को सूचना दे दें, वो हम लोगों को सूचना दे दें तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये एसडीएम बगीचा ने जो शुरुआत किया है उसको हम बाकी तहसीलों में भी जो है सभी जगह करने वाले हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो कांटेक्ट नंबर है वो सभी शासकीय कार्यालयों में लिखवा दिए जाए। इससे फायदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए जरूर जो है ये कारगर होगा।